हेलो गाइस, वेलकम टू टेकिया यूट्यूब चैनल। एंड गाइस, फाइनली पोको ने अपने पोको X5 प्रो 5G स्मार्टफोन को इंडियन मार्केट में लॉन्च कर दिया है। प्राइस पॉइंट भी आ चुकी है, स्पेसिफिकेशन भी आ चुके हैं, सारी चीज़ों के बारे में बताने वाला हूँ। अच्छी चीज़ें तो आपको स्मार्टफोन की बताऊंगा, लेकिन ये स्मार्टफोन पे आपको चार मेजर प्रॉब्लम्स भी देखने को मिलते हैं, जो कि आज की वीडियो में कंप्लीट डिटेल देने वाला हूँ। एंड अपने ऑनेस्ट ओपिनियन भी आप लोगों के साथ मैं शेयर करूंगा। सो गाइस, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं यहाँ पर पोको X5 Pro 5G स्मार्टफोन के इंडिया प्राइस पॉइंट के बारे में। जो 698 वाला वेरिएंट है, ऐसे तो लॉन्च हुआ 23,000 रुपीज में, लेकिन अगर आपके पास में ICICI बैंक का क्रेडिट कार्ड है, उससे पेमेंट करके लेते हो, 2,000 रुपए का फ्लैट डिस्काउंट है, इफेक्टिवली स्मार्टफोन को ले पाओगे 21,000 रुपीज में। एंड एक 8256 वाला वेरिएंट भी लॉन्च हुआ है, उसकी एक्चुअल प्राइस पॉइंट है 25,000 रुपए, उस पर भी अगर आप ICICI बैंक का क्रेडिट कार्ड लगा के लेते हो तो आपको पड़ेगा इफेक्टिवली 23,000 रुपए में। अब क्या 21,000 रुपए में ये स्मार्टफोन का आपको लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए? देखो, सबसे पहले बात कर लेते हैं ये स्मार्टफोन के हाइलाइटिंग फीचर, जो कि अच्छी चीज है, जो कि मैंने आपको बहुत बार बता चुका हूं। जैसे कि आपको बॉक्सी टाइप का डिजाइन है, दिखने में फोन आपको अच्छा देखने को मिल जाता है। साथ ही में यहां पर आपको 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट वाला एक AMOLED डिस्प्ले मिलता है, डिस्प्ले से आपको कोई भी शिकायत नहीं होगी। उसी के साथ में यहां पर आपको Snapdragon का 728G वाला एक 5G चिपसेट मिल जाता है, तो परफॉर्मेंस में यहां पर आप बोल सकते हो 21,000 रुपए के हिसाब से काफी बढ़िया देखने को मिलेगी। गेमिंग भी आप अच्छी खासी यहां पर कर पाओगे। कैमरास भी प्राइस पॉइंट के हिसाब से मैं कहूंगा डिसेंट रहने वाला है, बहुत अच्छा भी नहीं रहेगा, बहुत बेकार भी नहीं रहेगा। उसी के साथ में डुअल स्टीरियो स्पीकर का सपोर्ट, 3.5 हेडफोन जैक का सपोर्ट, आयर ब्लास्टर देखने को मिलता है, 5000mAh बैटरी, 67 वाट का चार्जर आपको डब्बे में देखने को मिल जाता है। तो ये तो थे यहां पर ये स्मार्टफोन के बढ़िया फीचर, जो कि आपने बहुत सारी वीडियोस में देखे होंगे। मैंने भी आपको बहुत बार जो है इसके बढ़िया फीचर्स के बारे में बताया था। अब ये स्मार्टफोन में मुझे पर्सनली चार कमियां जो कि मुझे अच्छी नहीं लगी है, वो आप लोग के साथ में शेयर करता हूं। सबसे पहले बात करें यहां पर इसके बैक पैनल को लेके, दिखने में देखोगे फोन काफी जबरदस्त है, लेकिन यहां पर जो बैक है वो आपको पॉलीकार्बोनेट मतलब प्लास्टिक का इस्तेमाल करा गया है, जबकि जिसका प्रेडिसेसर है पोको X4 Pro 5G, जो कि हम 15-16,000 रुपए में लेते हैं ना ऑफर में, उसमें आपको बैक में जो ग्लास देखने को मिलता है, जो Redmi Note 12 Pro भी है उसमें भी हमें ग्लास देखने को मिलता है, जो कि आप बोल सकते हो ऑलमोस्ट इसका आइडेंटिकल डिवाइस है। लेकिन यहां पर पोको ने जो बैक में प्लास्टिक दिया, जो कि पर्सनली मुझे अच्छा नहीं लगा, ग्लास यहां पर देते तो और बढ़िया यहां पर हो सकता था। दूसरी कमी की आप बोल सकते हो, दूसरे कौन की अगर हम बात करें, तो यहां पर आपको डुअल सिम का सपोर्ट मिलता है, SD कार्ड स्लॉट देखने को नहीं मिलता है। चलो यहां पर ट्रिपल कार्ड स्लॉट नहीं देते तभी भी चल जाता, लेकिन एटलीस्ट यहां पर हाइब्रिड सिम स्लॉट देते तो यूजर के पास चॉइस रहती कि भाई एक सिम के साथ में एक SD कार्ड लगाने का मौका मिलता, या जिसको दो सिम इस्तेमाल करना है वो डायरेक्टली दो सिम इस्तेमाल करता। लेकिन इंडिया वाले वेरिएंट में मेरे हिसाब से यहां पर जो एटलीस्ट हाइब्रिड सिम स्लॉट है, यहां पर पोको को देना चाहिए था। तीसरी कमी की अगर हम बात करें, जो कि Xiaomi से, पोको से, रेडमी से मेरी रिक्वेस्ट है कि अब तो यार मतलब 20-25,000 रुपए वाले स्मार्टफोन पे इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर देना स्टार्ट करो। चलो बजट स्मार्टफोन है, 10-15,000 रुपए तक के अगर आप साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर देते हो या AMOLED डिस्प्ले के साथ में जो भी आप कॉस्ट कटिंग करते हो तब तो ठीक है, लेकिन जो 20-25,000 रुपए के स्मार्टफोन में मेरे हिसाब से Xiaomi को, Redmi को, पोको को जो है इन डिस्प्ले यहां पर देना चाहिए। 10-15,000 रुपए की बात अलग है, लेकिन यहां 20-25 में जाते हो थोड़ा प्रीमियम यहां पर एक्सपीरियंस आपको यूजर को देना चाहिए। फोर्थ कौन की अगर हम बात करें, जो कि पर्सनली मुझे ये चीज बिल्कुल भी यहां पर पोको इंडिया की पसंद नहीं आई है, देखो एक चीज इन्होंने अच्छी करे कि MIUI 14 दिए, जो कि Xiaomi का आप बोल सकते हो लेटेस्ट सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस है, जो कि स्मार्टफोन पे डाल के दिए, जो कि बढ़िया बात है। लेकिन एंड्रॉइड वर्जन का क्या यार, एंड्रॉइड 12 आउट ऑफ द बॉक्स दे रहे हो यार, फरवरी 2023 चल रहा है, एंड्रॉइड 13 आके जमाना हो चुका है, बहुत सारे बजट फोन में भी हमें देखने को मिल रहा है। अब तो यार मतलब भी कुछ स्मार्टफोन लॉन्च होंगे 8-10,000 रुपए की प्राइस पॉइंट पे भी आपको एंड्रॉइड 13 ब्रांड प्रोवाइड करा रहे हैं, एंड पोको इंडिया यार एंड्रॉइड 12 आप कैसे दे सकते हो? इससे नुकसान ये है कि यहां पर अगर आप एंड्रॉइड 13 देते तो एंड्रॉइड 14 और 15 का अपडेट आगे चल के आपको मिलता, बट एंड्रॉइड 12 आउट ऑफ द बॉक्स दे रहे हो तो एंड्रॉइड 13 एज वेल एज एंड्रॉइड 14 मतलब 2 साल का आपका अपडेट मिलेगा, तो मैक्स जो आप एंड्रॉइड 14 तक के यहां पर जाओगे, तो ये चीज मुझे पर्सनली बिल्कुल भी यहां पर अच्छी नहीं लगी है। एंड्रॉइड 13 मेरे हिसाब से यहां पर Xiaomi, पोको या रेडमी जो भी यहां पर नए स्मार्टफोन लॉन्च करें उनको यहां पर देना चाहिए। तो गाइस, ये ओवरऑल यहां पर मेरे ऑनेस्ट ओपिनियन थे। अब क्या 21,000 रुपए में ये स्मार्टफोन को परचेस करें नहीं करें? डेफिनेटली 21,000 रुपए में बहुत ज्यादा वैल्यू फॉर मनी स्मार्टफोन है। 23,000 रुपए में अगर आपके पास में कार्ड नहीं है, ले या ना ले तो डिसेंट ऑप्शन है, कैश ऑन डिलीवरी भी आपको अगर लेना है तो देख सकते हो, बुरी डील नहीं है। लेकिन अगर आप ICICI बैंक के कार्ड से 21,000 रुपए में इफेक्टिवली ले पा रहे हो, डेफिनेटली आप ये स्मार्टफोन को ग्रैब कर सकते हो। लेकिन जो मैंने चार कमियां बताया, अगर आपको उससे फर्क नहीं पड़ता है तभी ये स्मार्टफोन को लेना, अगर फर्क पड़ता है तो डेफिनेटली आप अपने पैसों को जहां इन्वेस्ट करना चाहते हो कर सकते हो। जैसे कैसे आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, पोको X5 Pro 5G स्मार्टफोन की इंडिया प्राइस पॉइंट आपको कैसी लगी, क्या आप ये स्मार्टफोन के साथ में जाओगे नहीं जाओगे, जो भी आपके ऑनेस्ट ओपिनियन है मुझे बताना नीचे कमेंट्स में। सो होप कि आपको सुनाई होगी, एंड अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूं आपसे अगली किसी वीडियो।
में, जब तक के लिए थैंक यू।